ये ड्रिंक देखने में जितना अट्रैक्टिव लग रहा है, पीने में उतना ही रिफ्रेशिंग लगेगा आपको। स्वादिष्ट खाना हो अपनी जगह, और खाने के बाद अगर मिल जाए पान या उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्शन, पान शॉट्स, तो क्या ही बात है। घर पर हो डिनर या पार्टी, लास्ट में ये इम्प्रेसिव एंड टेस्टी पान शॉट्स जरूर सर्व करें। हेलो फ्रेंड्स, कुकरी स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं पान शॉट्स। पान शॉट्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 पान के पत्ते। कोशिश करिएगा कलकत्ता पान पत्ता ही यूज करें, क्योंकि इन पान के पत्तों में थोड़ी मिठास होती है। इसकी डंडी तोड़कर अलग कर दें और पत्तों को तोड़कर एक मिक्सी के जार में डाल दें। इसमें अच्छी बात यह है कि आप इसका मिक्सचर पहले से तैयार करके रख सकते हैं, और जब जरूरत हो तो झटपट पान शॉट्स बना लें। तैयार किए हुए मिक्सचर को आप हफ्ता 10 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। पत्ते डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच गुलकंद के, 3 चम्मच कोकोनट पाउडर। इन सबको हम मिक्सी में चर्न कर लेते हैं। अभी इसको थोड़ा और पीसना होगा। इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे जरूर डालें। पान शॉट्स का मसाला पीसने के बाद कुछ इस तरह रहेगा। इसे आप अलग डिब्बी में निकाल कर रख सकते हैं फ्रिज में हफ्ता 10 दिन के लिए, और जब भी आपको बनाने हो फटाफट मसाला निकाला फ्रिज से। अब तैयार कर लिए पान शॉट्स। अब पान शॉट्स बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच भरकर पान शॉट्स का मसाला लिया है, और इसमें डाली है क्रश्ड आइस और 2 बड़े स्कूप वेनिला आइसक्रीम के, थोड़ा सा पानी। अब इसे मिक्सी में चला लें। इस क्वांटिटी से 4 शॉट्स तैयार हो जाएंगे। ध्यान रहे पानी की क्वांटिटी कम ही रखें, वरना टेस्ट डाइल्यूट हो जाएगा। लीजिए, झटपट पान शॉट ड्रिंक तैयार हो गई। ग्रीन कलर डाला था ना, तो उससे ये ग्रीन कलर बनने के बाद बहुत अच्छा आता है। मैंने आपसे कहा था ना कि ग्रीन फूड कलर जरूर डालिएगा। उससे क्या होता है, जितना टेस्टी लगता है उतना ही एपेटाइजिंग भी लगता है। आप इसे प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी गार्निशिंग कर रही हूँ, थोड़े से रोज पेटल्स, थोड़े से कलर्ड बॉल्स और सिल्वर बॉल्स के साथ। अगर आपके पास शॉर्ट ग्लासेस ना हो तो छोटे ग्लासेस में सर्व करें, वरना डिस्पोजेबल टी कप्स भी चलेंगे, ट्रांसपेरेंट वाले। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स और सुझाव का इंतजार रहता है। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।